ऐसा जी मैंने कटास नहीं कसा, मैंने लोगों को बात बताई है, यदि मेरी बात गलत हो तो आप लोग बताएं। जिस नेता ने जिस पार्टी ने किसी आदमी को जमीन से हटा के समाज में बचाया हो और जब समय आए उस पार्टी को दगा दे दे, उससे बड़ा दगाबाज, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा। मेरे साथ तो पार्टी और नेताओं ने गलत करा, लेकिन इधर जाऊं या उधर जाऊं। भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी का मोहनगर थानेसर में पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। जय भगवान शर्मा ने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एवं वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी का आज मोहनगर थानेसर में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जनसभा में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद और खुद की मेहनत पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता विकास और बदलाव के लिए मुझे समर्थन और आशीर्वाद दे। मैं क्षेत्र के कई पिछड़े और अनदेखी के शिकार क्षेत्रों का कलेश काट दूंगा। जय भगवान शर्मा डीडी ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा और मौजूदा भाजपा से राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो वह जनता के भरपूर काम करेंगे। वह राजनीति के माध्यम से जनता की भलाई के लिए भी काम करना चाहते हैं। मैंने कहा जो पार्टी के अंदर धर्म से बड़ा तनाव है, लेकिन आज मैं आपके मंच के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, यदि आपको यह लगे कि डीडी शर्मा जीत सकता है और सुभाष सुधा हार रहा है और आगे भारतीय जनता पार्टी का राज लड़ा, फिर तो मुझे हाथ खड़े करके समर्थन दो, मैं आपकी हर उम्मीद पे खड़ा करूंगा। एक ही बात बताओ कि मेरा और आपका मोहन नगर का खेड़ी मार करने का रोटी और पेटी का हिस्सा है। मुझे कल्ले कल्ले घर का पता है, आप मुझे कान पकड़ के कह सकते हो, मुझे रोक के कह सकते हो, लेकिन इतने साल से आप देख रहे हो कभी आपके काम आएगा कुछ? गुल्ली करते हैं ठीक है बात। तो आज जिस तरीके से भाई हमारे सुरेश जी ने, शिवम जी ने, भाई टीटू जी ने, सतीश जी ने और सारी इनकी टीम ने इतना बड़ा जलसा तो एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री और डॉक्टर आज मेरे पास देने के लिए क्या, ना मैं कोई एमएलए, ना मैं कोई मंत्री, ना मैं कोई एक्स मंत्री। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी बात को सुना, मुझे हौसला दिया, तो मैं एक ही वादा करता हूँ, यदि आप लोगों ने मुझे बनाया परमात्मा ने चाहा, एक पलड़े में तो मेरा काम देख लेना और एक पलड़े में आपसे पहले जो दोनों साथी बने उनका काम देख लेना। यदि मैं उनसे 21 तो उतरू फिर 2029 में मेरी वोट दे देना, यदि ना उतरू तो ये सोच लेना कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे अंदर काम करने का जज्बा है, जज्बात है, सेवा करने का जज्बा है। तो मैं आज आपके बीच में इसीलिए आया था, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मेरे को समर्थन दिया, इसके लिए मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी टीम आपकी सदा रेडी रहेगी। और अंत में परमपिता परमात्मा से यही बेनती करता हूँ कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपकी नौकरी चाकरी में, आपकी दुकानदारी में परमपिता परमात्मा खुशियाँ जाए और मुझ जैसे छोटे से आदमी को आप लोगों की सेवा करने का मौका दे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। इससे पहले तो मैं जितने पत्रकार साथी आए हैं मोहन नगर की कर्मस्थली के ऊपर पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आए कहता हूं। और जिस तरीके का भव्य स्वागत, जिस तरीके की क्रीम आज मोहन नगर की, बच्चा बच्चा आज मेरे जलसे में आया, मुझे समर्थन दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं उनका धन्यवाद करूँ। मैंने बहुत से चुनाव लड़े भी, लड़वाए भी और बहुत सी जनसभाएं की, लेकिन आज का ठाठा मारता हुआ जनसमूह इस बात का प्रमाण है कि अगला विधायक थानेसर का डीडी शर्मा को लोग बनाने के लिए तैयार बैठे। क्या कहेंगे आपने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर? ऐसा जी मैंने कटास नहीं कसा, मैंने लोगों को बात बताई है, यदि मेरी बात गलत हो तो आप लोग बताएं। जिस नेता ने, जिस पार्टी ने किसी आदमी को जमीन से हटा के समाज में बचाया हो और जब समय आए
उसको पार्टी को दगा दे दे, उससे बड़ा दगाबाज, उससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा। भगवान कभी माफ नहीं करेगा, उसके देर अंधेर नहीं है। और मैंने कभी किसी पार्टी को, किसी नेता को धोखा नहीं दिया। मेरे साथ तो पार्टी और नेताओं ने गलत करा, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। तो आज मेरा एक ही सवाल था कि मैं जनता के बीच में जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। आज मुझे फिर लोग कहते हैं कि पेवा से चुनाव लड़ा ले पार्टी कहती है। मैंने कहा जी मैं तो थनेसर से लड़ूंगा, मेरा हक यहाँ है, मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, मेरा गाँव यहाँ, जिला परिषद का जोन यहाँ, 25-30 हज़ार वोट पंडितों की यहाँ, दूसरी 35 बरादरी के लोगों, मेरी एक एक जगह वोट है क्योंकि मेरा लोगों से आना जाना है। और लोग मुझे एक ही बात कहते हैं कि 100% पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसा कोई खाना नहीं टिकट ना दे, आप यहाँ से चुनाव लड़ना, आप लोगों के बीच में इसी तरीके से जाते रहना। और आज आप भी समझदार हो, ऐसा प्रोग्राम तो मंत्री, मुख्यमंत्री और संतरियों का होता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी, गलत है ठीक है बात, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से, और इतने भरे पसीने के अंदर आप लोग भी यहाँ खड़े हैं, मैं तो आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। राज्य मंत्री कह रहे हैं 4,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, कैसे है जी? 10 साल हो गए राज्य मंत्री ने तो पल्ले से थोड़ी दी है, सरकार देगी जब भी देगी, मोदी सरकार देगी या तो मेरे बराबर, दोनों ही अपने पल्ले से, मेरे जितना मैं लगाऊ इतने दोनों लगाते चले जाए। तो सरकार का पैसा, सरकार का पैसा लेने में तो कोताही बरत रहे हैं। आज से पहले लगना चाहिए था पैसा, चमासे के अंदर लोग मैं जाता हूँ, ग्रामों में, गलियों में, सड़कों में, इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने पार्टी के हर प्लेटफार्म पे बात उठाई है कि यदि ऐसे ऐसे एमएलए और मंत्रियों का टिकट नहीं काटोगे तो आगे पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उसमें चांदी ना तोलना, एक पलड़े में मुझे तोल लेना और एक पलड़े में आज तक के विधायकों को तोल लेना। यदि मेरा काम, मेरा कर्म 21 तो लगे दोबारा वोट दे देना, नहीं तो मैं भी अपने घर बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ना पार्टी से इतराज, ना विधायक से, मैं तो किसी भी आदमी के काम करने के तरीके से, जो वर्कर का काम ना करे, जो जनता का काम ना करे, जो परिवारवाद फैलाए पार्टी के अंदर, जिस पार्टी ने इतना बड़ा काम हासिल किया उसके अंदर परिवारवाद है नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहला ऐसा एमएलए है, पहला ऐसा मंत्री है जो बिल्कुल परिवारवाद के सारे चल रहे हैं, जो किसी की सुन नहीं रहा, जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। यदि पार्टी ने इस पर संज्ञान ना दिया तो कुछ भी होने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग किस चीज के गवाह? एक तरफ मुझे कांग्रेस टिकट दे दे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दे दे, टिकट से थोड़ी बढ़ूंगा ना, बढ़ाएगी तो जनता। इतनी जनता आप लोग भी देखते किसी के पास, आज लोगों के अंदर एक ही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सुभाष चंद्र बोस का राज बदल दो, अब की बार डीडी सरकार लोगों के किनारा चलता यदि मेरा हक बढ़ता तो मेरा साथ दे, यदि मेरा हक नहीं बढ़ता तो मैं कमलजीत शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं कि वो भी आए, और विपिन शर्मा जी रिटायर प्रिंसिपल मोहन नगर की तरफ से स्वागत करें विपिन सर। Hello।
पहुंचे आपके एमसी पूर्व एमसी डिंपल शर्मा जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बीच में। प्रधान जी के सुपुत्र बड़े सक्रिय कर्मठ ईमानदार जुगाड़ू जी को आप सब